हाल ही में राजस्थान सरकार ने साल 2021-22 का बजट पेश किया है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 बार पानी पिया और 2 घंटे 46 मिनट तक बजट भाषण पढ़ते हुए प्रदेश के लिए पिटारा खोला। वहीं बजट को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। विपक्ष की ओर से बजट को लेकर क्या कुछ कहा गया, जयपुर से मनोज शर्मा की रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में बजट के बाद बीजेपी नेताओं ने इसे खोखला बजट बताया है और कहा कि ये बजट धरातल पर कभी उतर नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार को युवाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। पिछले दिनों से बेरोजगारों ने जयपुर में विरोध भी किया था, लेकिन बजट में उनकी समस्याओं को खासा स्थान नहीं दिया। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जो कहा, आप भी सुनिए। देखो, क्या इस सरकार की जो आवश्यक प्रायोरिटी थी, जिसके आधार पर वो चुनाव जीते थे, उसमें यह भी एक उनके घोषणा पत्र का मुद्दा था कि जितने भी ऐसे संविदा कर्मी पर लगे हुए हैं उन सबको हम नियमित करेंगे। ऐसे सारे मिलाकर के लगभग 3 लाख से अधिक बच्चे हैं, तो 3 लाख बच्चों का झुकाव उस सरकार की ओर होना स्वाभाविक था। उन्होंने वोट दिया, लेकिन उन्होंने एक कमेटी बना करके केवल उसकी इतिश्री कर दी। और दुर्भाग्य तो यह है कि इस बजट में भी न तो उनकी सैलरी बढ़ाने का कोई हेड में प्रावधान रखा है, न उनको नियमितीकरण, तो एक तरह से उन बच्चों के साथ विश्वासघात है। इतना ही नहीं, कटारिया ने गहलोत के बजट को महज बातों का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय ने वाहवाही लूटने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को भी बजट में शामिल कर लिया। कटारिया ने तो ये भी कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। 2019-20 के बजट में की गई घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई। पिछले बजट में कॉलेज खोलने की घोषणाएं की गई थी, लेकिन आज तक उनके भवन नहीं बन पाए हैं। दूसरा क्या है कि बजट केवल घोषणाओं का पुलंदा है। मैं जब जवाब दूंगा तब इस बात को स्पष्ट कर दूंगा कि आपके पास बजटीय प्रावधान न होते हुए भी आपने एक के बाद एक घोषणाएं कर दी, और इनमें से कई घोषणाएं तो ऐसी है जो केंद्र से मिलने वाला जो सहयोग राशि है उसके तहत जो काम पूरे होने वाले हैं वो भी इसमें सम्मिलित किए हैं। तो सरकार की मंशा वैसी है जैसे 10 दिन में कर्जा माफ और धरती पर नहीं उतरा, सभी बच्चों को रोजगार मिलेगा या बेकारी भत्ता मिलेगा जो मिला नहीं होते, किसी प्रकार का बिजली का पैसा नहीं बढ़ेगा, बिजली का तार में करंट कम आता है, कागज में ज़्यादा आता है, ये मैं और आप और सब कितने भी गृहस्थी हैं सब अपने अपने घर में अनुभव करते हैं, और संविदा कर्मियों के साथ जिस प्रकार का धोखा हुआ है। एक दूसरा क्या है कि उन्होंने 19-20 के बजट में जो घोषणाएँ की है वो अभी तक धरती पर नहीं आई है। 20-21 की जो घोषणाएँ की वो धरती पर नहीं आई है। इसका मतलब बजट केवल घोषणाओं का पुलंदा बन रहा है, धरती पर आने वाला काम नहीं बन रहा है। जबकि सेंसिटी ये होती है कि बजट में की हुई घोषणा हर व्यक्ति ये मानता है कि ये काम निश्चित होगा। जैसे 88 कॉलेज की पिछले 2 सालों में इन्होंने घोषणा की, एक भी टीचर की सैंक्शन नहीं है, एक भी बिल्डिंग की सैंक्शन नहीं है। आज की तारीख में सारे के सारे प्राइवेट की में चल रहे हैं, या पुराने जो हाई स्कूल है या 10+2 स्कूल है उसके किसी भवन में चल रहे हैं, कहीं प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग में चल रहे हैं। तो सरकार केवल लोगों को लुभाने का काम कर रही है, और ये जो 4 बाई इलेक्शन है इसके पहले कंबार सा लगा दिया। और मुझे तो ये संभावना लगती है सरकार डरी हुई है कहीं बाई इलेक्शन की नौबत ना आ जाए, इसलिए कम से कम पुलंदा सारा खोल दो, जो होना ना होना तो आगे वाला जाने, लेकिन हमारी तरफ से योगा हमने ये भी कर दिया। धरती पर नहीं आ सकता, न पहले आया है न आज आ सकता। कटारिया ने बीजेपी का पक्ष की बात रखते हुए प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 9 लाख मकान बनकर तैयार है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम गहलोत ने ERCP और भामाशाह डेटा सेंटर की तारीफ तो कर दी, लेकिन पिछले 2 सालों में इन दोनों ही योजनाओं पर कोई काम नहीं हुआ। कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं और कई जो फंड आते हैं उनके आधार पर ये गुजरे, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, कांग्रेस ने 54 साल तक दिल्ली में राज किया, लेकिन उनको ये ध्यान में नहीं आया कि गांव की सड़कों का पैसा भी दिल्ली के खजाने से भेजा जाता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया, इसके कारण से आज गांव-गांव सड़कें पहुंची है, हर घर को बिजली पहुंचेगी, दीनदयाल ज्योति में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की और पहुँचाया, हर जिसके घर
पर कच्चा मकान है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,48,000 रुपया मिलेगा, सबके खाते में जा रहा है। राजस्थान में है ना कम से कम 13 लाख मकान बनने की स्वीकृति हो गई, 9 लाख बनकर के तैयार हो गए, 15 लाख की स्वीकृति दी है। तो वो पैसा भी केंद्र सरकार का है, आपका उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। जिस ये 5 लाख की जो बीमा योजना के बारे में कह रहे हैं ना, महात्मा गांधी का चेंज किया, सरकार का कुछ नहीं है इसमें, सारा पैसा केंद्र ने किया। हाँ, केंद्र ने जरूर किया कि जितना जिनको राशन मिलने का अधिकार है उन तक उन्होंने लिमिट की, इसमें इन्होंने कुछ लिमिट और बढ़ाई है। देंगे कि नहीं देंगे ये तो भगवान जाने, पर एक बार इन्होंने 1,10,00,000 लोगों को इस योजना के तहत कवर किया है, जबकि इन्होंने 2 साल तक भामाशाह योजना जो चल रही थी इसको बंद तो नहीं किया, पर पैसा देना बंद किया, तो बंद जैसे ही हो गया ना। तो उस समय जितने भी कोरोना के महामारी के समय में जिनको दूसरी प्रकार की बीमारियां थी उनको एक पैसा भी नहीं मिला, ना उनको काम हुआ। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने ये भी कहा कि प्रदेश में 4 उपचुनाव को साधने के लिए कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। कांग्रेस के दिग्गजों का मन नहीं मिल रहा है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर से किसान सभा में भेजकर जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने सचिन पायलट की तारीफ करते हुए कहा कि जो नेता सड़कों पर घूम घूम कर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई है उनको ही किनारे पर कर दिया गया है, तो ऐसे में मन मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। देखो क्या ये वास्तव में सच में मन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऊपर का डंडा ऐसा चल रहा है कि तुमको बाई इलेक्शन जीतना है, इसलिए चारों चुनाव जीतने के लिए जनता के सामने ये प्रोजेक्ट करो कि तुम दोनों एक हो, जबकि बंपरे को किसी को उसको घास ही नहीं डालते हैं कभी, उसको उसके एरिया में किसी प्रकार का विकास का काम है कुछ हुआ ही नहीं। मतलब मुश्किल से 1 या 2 काम के बारे में इतनी बड़ी घोषणाएं जिसमें सैकड़ों घोषणाएं हुई तो उसको इग्नोर किया गया। उसकी एक तरह से जिस आदमी ने सड़क पर घूम घूम करके पार्टी को खड़ी की उसको सड़क पर ला दिया आज की तारीख।